नमस्कार दर्शक मित्रों, अगली प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं लेवल टू और लेवल थ्री के बच्चे। इस नाटक का नाम है लैला मजनू, जिसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है अतनु भट्टाचार्य। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर कोई भी पात्र से या उनकी भाषा से आपको ठेस पहुंचती तो हमें क्षमा करें। तो पेश है आपके सामने ये नाटक लैला मजनू। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं उनको इस भगवान जी का प्रणाम। आज हमारे नाटक मैंने एक अजीब बात सुनी। नट को आज क्या देखा? तुम तो रोज कोई ना कोई नई चीज देखते ही रहते हो। अरे नहीं, इस बार आज हमारे नाटक का शिक्षक है चुनाव में इस बार एक औरत जीती है। नाटक है औरत जीती है। हाँ, हमारी कलावती गाँव की प्रधान बनी है। नाटक है औरत और गाँव का प्रधान। हटिए, अब रास्ता रोक रहे हैं। कलावती, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। पर प्रताप सिंह जी,
अपने गांव की इतिहास में पहली बार कोई औरत प्रधान बनी है। आपकी दया से ही सब है। ऐसा क्यों कह रही हो कलावती? तुम्हारी अंदरूनी ताकत ही तुम्हारे जीत का कारण है। अगर आप घर घर जाकर सब औरतों से नहीं कहते तो कौन मुझे वोट देने वाला था? आप ही ने सबको समझाया था कि एक औरत की जरूरत एक औरत ही समझ सकती है, इसलिए। नहीं कलावती, कोई किसी को नहीं जिताता, सब खुद जीतते हैं। खैर, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश तो ना हूँ, गांव की प्रधान हूँ, मेरे पति ब्लॉक के प्रमुख है, घर बैठे पेपर साइन करती हूँ, पंच में पिछले दो महीने से एक भी बार नहीं गई, इसके बावजूद सारा काम होता रहा। आपने देखा नहीं मास्टर साहब, मेरे घर के सामने कॉन्क्रीट का रास्ता बन गया है। सुना है प्रताप सिंह जी ने 20 बीघा जमीन और खरीदा है। मेरे हर कमरे में नए बिस्तर और पलंग आ रहे हैं। अब क्या चाहिए मुझे? कलावती, ये प्रश्न तुम खुद से पूछो। मास्टर साहब, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए, मुझे कुछ नहीं बनना है। जब मैं प्रधान नहीं थी तो कम से कम ये चैन तो था कि मेरे कारण किसी को क्षति नहीं हो रही। अब रात में औरतों की चीख सुनाई पड़ती है मुझे, गांव की औरतें पाठागार में कूदती है मुझे। आपको पता है मास्टर साहब, गांव के बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी माँ को डर लगा रहता है कि कहीं उनकी घर की छत न गिर जाए। कम से कम स्कूल में रहते हैं सलामत तो है। मैं क्या करूँ मास्टर साहब, मैं क्या करूँ? कलावती, मेरी तरफ देख, मैंने तुम्हें ज्योति देखी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ज्योति को संभाल कर रखो। हवा के झोंकों से दीप भले ही बुझ जाए पर मशाल नहीं बुझ सकती। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, सच के रास्ते पर चलो, चाहे उसके लिए नई दिशा बनानी पड़े तो बनाओ, उलझे हुए व्यवस्थाओं को ललकारो। नहीं कलावती, व्यवस्था इंसान बनाता है, उसे तोड़ना भी वही है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपने स्व को ढूंढो, वही तुम्हें रास्ता बताएगी। पता नहीं मास्टर साहब, मैं तो अभी शायद हूँ सरकारी वालों की किताब को रहा है। तो उसे तलाशो। पर कैसे मास्टर साहब, कैसे? उसी ज्योति के सहारे जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। और अगर वो ना मिले तो? याद रखो, वो दिन तुम कलावती नहीं प्रताप सिंह की औरत के नाम से जानी जाओ। अब मैं चलता हूँ, फिर लौटूंगा। प्रधान जी, प्रताप सिंह जी हमको जेल भेजने को बोले हैं। पर क्यों? हमारे पास तो पैसे प्रधान जी, अपनी जमीन तो है नहीं मालूम, तो सोचे कि बैल लेके हम क्या करेंगे, घर का छपरा बनवा लेते। अब वाणी सिंह को बैलों की जरूरत थी अपने खेतों के लिए, तो हमने उसे बैल बेचकर अपना घर का छपरा बनवा लिया। हम एक साल बाद अपनी पूरी खेती करवा कर वाणी सिंह कह रहा है कि बैलों के पैसे लौटा। पर क्यों? वो कह रहा है तुम्हारे बैल पागल है, अब हम पैसा कैसे लौटा है, कोई आदमी उसका छत थोड़ी बेच सकता है। चलो मेरे साथ। कहाँ भागे? पंचायत। और कहाँ? पर पंचायत में तो प्रताप सिंह जी वाणी सिंह की तरफदारी कर रहे हैं। रामकिशन, प्रताप प्रताप सिंह जी नहीं, मैं हूँ, चलो मेरे साथ। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तेरे प्रताप सिंह और कलावती का क्या हुआ? अरे पवन जी, होना क्या था, अपने आप ही
अपनों की ही बात फराई तो अपनों से क्या कहना, अपने ही जब भारा भोके तो दूजे को क्यों सहना। छोटी सी एक उलझन से ही बात बढ़ी है आगे, देखो कैसे एक बार के वोट ने तोड़े प्यार के धागे। अब कहानी आगे बढ़ाए, देखिए अब अंजाम, जीता अपना प्रताप सिंह या जीती अपनी कलावती प्रधान। इतना ही शौक था तुम्हें वकील बनने का, तो अपने बाप से क्यों नहीं कहा वकालत पढ़ाने के लिए? रामकिशन खुद आया था मेरे पास, उसे कैसे दुष्कर्म ने? तो तुमने उसे न्याय दिया? तुम्हें तो पता ही था कि रामकिशन निर्दोष है, फिर भी तुमने बाणी सिंह का साथ क्यों दिया? एक बात गांठ मान लो कलावती, अपने प्रमुख होने का भ्रम दिल से निकाल दो। ये तो मेरी विवशता थी कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करना पड़ा। गवर्नमेंट का नियम था कि एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा मेरी बीवी से बढ़कर निर्बल चीज और कौन। तो फिर रामकिशन का? पुलिस उठा ले गई उसे। क्या? अब प्रमुख का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हारी वकालती के बाद पानी सिंह तो घर चला गया, और जब वो घर गया तो उसकी तिजोरी से सारे पैसे गायब थे। पुलिस ने जब तलाशी ली, सारे पैसे रामकिशन के घर से मिले। अब जमानत के लिए उसे अपना मकान बेचना पड़ेगा। सोचो कैसे लोगों की तरफदारी कर रही हो तुम। कहा चली? मैं बहुत थक गया हूँ, सोता हूँ। भी नहीं है।
धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस पुरुष के साथ कोई औरत रहती है उसका कर्तव्य होता है अपना धर्म निभाना, भले ही वो उसका भाई हो, बाप या पर हुजूर, ये कौन सा धर्म है कि बाप अपनी बेटी को बेचे? चुप! कभी सोचा कि तेरे बाप का अवैध सीमेंट का बिजनेस कैसे चलता रहा? तेरे भाई को नौकरी कैसे मिली? तेरी शादी कैसे हुई? कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, समझी? को शिकायत किस बात की? जो उसका पति उसे देना चाहता है वो उसका खरीदार उसे दे रहा है। प्रताप सिंह से। गांव में एक ही साथ आए थे हम दोनों। जब पहली बार मिली थी तब से जैसे सबकी अम्मा थी। जब मैं प्रधान बनी थी तब सूर्या और हरदय सबसे ज्यादा नारे लगाए थे, कलावती देवी जिंदाबाद, कलावती देवी जिंदाबाद। पर कहा गए ये सब? एक एक कर सब छोड़ कर चले गए या फिर जाने पर मजबूर किया गया। अब आजकल पाटन वाड़ में कोई नहीं आता। एक भयंकर सत्य के सामने औरत होने का सत्य। मेरे प्रदान होने पर कोई करीब होने के बदले दूर होते जा रहे हैं। मुझे माफ करना हटाई, हो सके तो मुझे माफ करना। सूर्या क्यों किया जो मुझ पर इतने भरोसे?
क्या है? मास्टर साहब भले आदमी है, नेक है, ईमानदार है, चुनाव में आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? सारे लोग मास्टर साहब को वोट डाल रहे हैं। अरे पर वो प्रताप सिंह वोट डालने थे तब ना, देखा नहीं सारे इलेक्शन बूथ पे अपने लोगों को लगा दिया है। इसके इस रणवीर सिंह का कोई भरोसा नहीं, देखा जाए वोट की गिनती में जरूर कोई ना कोई बदलाव करेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इतनी जल्दी गद्दी थोड़ी छोड़ेगा। कलावती अंदर आ। क्या हुआ, क्या बात है, आप थके हुए लग रहे हैं, सब ठीक तो है? एक गिलास पानी पी लो। हुआ क्या है, पैसा आ गया क्या? खैर दिल छोटा रख लीजिए, हार जीत तो होती रहती है। तो क्या वो वादे, वो फेरे, वो गंगा के सामने गांठ झूठे थे? क्या कह रहे हैं आप, आपकी तबीयत तो ठीक है? 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया था, सुख में या दुख में, धरती अंबर पाताल हर जगह। भूल गई कलावती? मास्टर साहब जिंदाबाद, तुम्हारा पद था, जिस पुरुष के लिए तुम्हें जीना मरना था, उसी पुरुष के साथ तुमने विश्वास।